तो मित्रों एंड मित्राणियों, यदि आप लोगों ने भी इस वीडियो के थंबनेल पर देखकर क्लिक किया है तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आप एक कम बजट में एक अच्छा गेमिंग माउस सर्च कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा माउस हो जो कि कम बजट में सभी फीचर्स के साथ आपको देखने को मिले। तो मित्रों एंड मित्राणियों, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता चीता के समान होती है। और यदि आप भी अपनी चिंता से मुक्ति चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिए, ताकि आपको एक बेस्ट माउस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये जो माउस है परचेस किया है, इस माउस को खरीदने के पीछे क्या इतिहास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सन 2022 की बात है जब मैंने अपना फर्स्ट विंडोज लैपटॉप परचेस किया था, एंड उसी के साथ मैंने खरीदा था एक सेकंड हैंड माउस, जो कि सन 2023 के आते आते बीमार पड़ गया था। वह ये था दोस्तों कि उसका जो स्क्रोल बटन है वो कभी कभी बहुत ज्यादा वर्क करता था, कभी कभी बहुत स्लो वर्क करता था, एंड उसके अलावा जो उसका क्लिक बटन है वो भी बहुत हार्ड हो चुका। तो सन 2023 की बात है, मेरे माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना एक नया माउस परचेस कर लिया जाए, और इसी सोच में मैंने एक बेस्ट माउस सर्च करना चालू कर दिया। बजट कम था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और सपने इतने बड़े थे कि 200-300 रुपए के बीच एक ऐसा माउस लिया जाए जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जिसकी हैंडलिंग अच्छी हो, और बिल्ड क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक उसमें देखने को मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें अगर आपको एक RGB लाइट और देखने को मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता। तो मित्रों एंड मित्राणियों, लगभग 5 से 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ने खोज कर निकाला एक रेड गियर का माउस, जो कि वीडियो का एंड होते होते पता चल जाएगा कि ये गेमिंग माउस है या नहीं। तो हुआ यूं दोस्तों कि अमेज़न पे सेल चल रही थी उस टाइम पे, ये जो माउस है लगभग 200 रुपए का मिल रहा था, मैंने अमेज़न से ऑर्डर कर दिया। लगभग 3 से 4 दिनों में ये माउस मेरे पास पहुंच गया था। तो ये तो हो गई दोस्तों इसे परचेस करने के पीछे की कहानी। अब आते हैं फाइनली अपने माउस की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स की पैकेजिंग की। तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। सामने की ओर आपको रेड गियर का लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे माउस की इमेज दी गई है। नीचे की ओर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया गया है, जो कि रेड गियर का A10 माउस है। इसके अलावा बॉक्स की साइड में आपको कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। चलिए फाइनली बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है एंड कैसा अपना माउस होने वाला है। तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक और बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, नो डाउट आपको रेड गियर की जो पैकेजिंग है वो बहुत शानदार देखने को मिल जाती है। 200 रुपए में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर काफी शानदार पैकेजिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेड गियर का माउस दिया गया है जो कि व्हाइट के साथ आता है। एंड दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे एक रेड गियर का स्टिकर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप कहीं भी इसे चिपका सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक यूजर मैनुअल भी आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। इस मैनुअल में आपको माउस के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इन सब के अलावा बॉक्स में आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और 200 रुपए में और ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। फिलहाल इन सबको साइड में करते और आते हैं अपने रेड गियर के माउस की ओर। दोस्तों, माउस के लुक एंड डिजाइन वाइज तो काफी शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। माउस के क्लिक बटन पे आपको ऐसे फील होता है जैसे यहाँ पे रबर है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया है। ऑब्वियसली दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये वायर्ड माउस है, तो यहाँ पे आपको 1.8 मीटर का वायर देखने को मिल जाएगा। वायर की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छी क्वालिटी का वायर यहाँ पे यूज किया है, एंड वायर में टेक्सचर डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि आप फील कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसके वायर में तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया है। साइज की बात करूँ तो काफी बड़ा माउस है, हैंड ग्रिप भी काफी अच्छी है, आपका हाथ काफी अच्छे से ग्रिप कर लेता है, जिससे लॉन्ग टाइम भी अगर आप इस माउस का यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो स्क्रोलर दिया गया है, यहाँ पे सिलिकॉन रबर यूज किया है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को और भी अच्छा बना देगा। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे एक DPI बटन देखने को मिल जाता है, जिससे आप DPI सेट कर सकते हैं। बात करूँ मैं इस माउस के DPI लेवल की, तो 4 लेवल यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो कि सबसे मिनिमम लेवल 800 मिल जाएगा। इसके अलावा 1200, 1600 एंड 2400 तक का लेवल आपको मिल जाएगा। 2400 DPI पे ये वर्क करता है या नहीं, ये तो हम आगे वीडियो में टेस्ट कर ही लेंगे। इस माउस का एक और सबसे मजेदार फीचर है इसकी RGB लाइट। जैसे ही आप इस USB को अपने PC या लैपटॉप से अटैच करोगे तो इसकी RGB लाइट ऑन हो जाती है। इस माउस को मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो RGB लाइट है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। इस RGB लाइट की एक कमी मुझे यह लगी कि आप इसे मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। इसको आप या तो ऑन कर सकते या ऑफ कर सकते। इसको ऑफ करने के लिए आपको DPI बटन को लॉन्ग प्रेस करना रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक कुछ ही सेकंड में बंद हो जाएगा। इस RGB लाइट को वापस से ऑन करने के लिए आपको DPI बटन को वापस से लॉन्ग प्रेस करना रहेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों, फाइनली बात आ जाती है इसके DPI टेस्टिंग की। तो मैं आपको अपनी डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ इसका जो कर्सर है वो DPI लेवल पे किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसको 800 DPI पे सेट किया हुआ है, एंड ये आप कर्सर देख सकते हैं किस प्रकार से घूम रहा है। एंड सेम स्पीड में मैं इसको 1200 पे सेट करता हूँ, एंड ये जो अभी वर्क कर रहा है 1200 पे वर्क कर रहा है, तो आप देख सकते हैं सेम साइज में इसको घुमा रहा हूँ।
एंड अब मैं चेंज करता हूँ 1600 पे, तो ये 1600 पे कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। एंड अब टेस्ट कर लेते हैं 2400 DPI का, तो ये कितना फास्ट वर्क कर रहा है आप खुद ही देख लीजिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों 2400 DPI पे काफी फास्ट वर्क करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा दोस्तों कि ये जो माउस है गेमिंग माउस है, लेकिन नॉर्मली आप इसे गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, छोटे मोटे लेवल का गेम आप इसमें कर सकते हो। इस माउस को लगभग 2 से 3 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इन्हीं सब फीचर्स के साथ ये मात्र आपको 200 रुपए में अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 200 से 250 रुपए के बीच में देखने को मिलता है। तो यदि आपका भी बजट 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में और एक बेस्ट माउस आप लेना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल इस माउस को आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप इस माउस को लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो लिंक पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो को ही एंड करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।